तो पिछले 2-3 दिनों से मैं आप लोगों के सवाल के जवाब नहीं दे पाया, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपके सभी सवाल के जवाब दूंगा। यहाँ पे मेरे पास सभी सवाल हैं जो कि आप लोगों ने मुझे कमेंट में पूछे थे। यहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, जैसे कि MI A2 को लेकर, Zenfone 5 को लेकर। यहाँ पे हम बात करेंगे आपको जो Redmi Note 5 Pro का OTA अपडेट आया था उसके बारे में, क्या प्रॉब्लम आई, और साथ यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप पुराना वाला वर्जन यानी कि 9.2.4 को कैसे अपडेट कर सकते हो, यानी कि उसको कैसे वापस ले सकते हो। सो राम राम दोस्तों, वेलकम टू टेक टॉक जॉकी। तो बिना किसी देरी के मैं आप सभी के सवाल को जवाब यहाँ पे देता हूँ, लेकिन अगर मुझसे कोई गलती होती आप सभी का नाम लेने में, तो उसके लिए मैं पहले आप सबसे माफी मांग लेता हूँ। प्रोफेसर बोला मेरे को, भाई उसने बोला कि बापू ने ना विनम्र के साथ बहुत बड़े बड़े काम किए, तेरी तो थोड़ी देर रोक सकता है क्या तू? देख अपुन तेरे को फुल विनम्र के साथ रिक्वेस्ट कर रहा है, थोड़ी देर के लिए रोक के रख, हम लोग की मीटिंग की काय को वाट लगा रहे हैं। अपुन भी बोले तो क्या विनम्र विनम्र करता है कि विनम्र के साथ मेरे को मालूम है, चल आगे बोल। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने सबसे पहले सवाल की तरफ, और सवाल यहाँ पे पूछा है साकिल खान भाई ने, और इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि सर जो Redmi Note 5 Pro चाइना में लॉन्च हुआ है वो इंडिया वाले Redmi Note 5 Pro से बेटर है, मैं चाइना वाला वेरिएंट को ऑर्डर करवा लूँ, ऑर्डर करके मंगवा लूँ, या फिर इंडियन वाला वेरियंट ही लूँ? तो सर यहाँ पे हम सभी को पता है कि Redmi Note 5 Pro यहाँ पे जो चाइना में भी लॉन्च हो चुका है, और वहाँ पे वो इंडियन वाले वेरिएंट से बढ़िया है, लेकिन अगर आप उस फ़ोन को मंगवाते हो तो आपको उसकी जो प्राइजिंग है वो 2-4 हज़ार रुपये महंगी पड़ जाएगी। मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ इतना महंगा आपको फ़ोन पड़ जाएगा। तो अगर आपके लिए यहाँ पे प्राइजिंग मैटर नहीं करती है तो आप उस फ़ोन को मंगा सकते हो, लेकिन अगर आपके लिए यहाँ पे प्राइजिंग मैटर करती है तो मैं आपसे कहूँगी कि जितने में आपको ये फ़ोन पड़ेगा वो एक ओवर प्राइज यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन में, और अगले क्वेश्चन यहाँ पे हमारे दो दोस्तों ने पूछा है, जो कि है यहाँ पे एक है द खान और दूसरे यहाँ पे संदीप कुमार, और दोनों ने यहाँ पे पूछा है MI A2 को लेके और MI A2 में 5G के सपोर्ट को लेके। तो यहाँ पे MI A2 कब लॉन्च होगा इसके बारे में तो फिलहाल कोई कन्फर्मेशन नहीं है, सब लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि अप्रैल अप्रैल अप्रैल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अप्रैल में ये इंडिया में लॉन्च होगा। इसके बाद यहाँ पे पूछा है कि MI A2 में 5G होगा, तो नहीं MI A2 में 5G नहीं होगा, और यहाँ पे MI A2 की एक और इमेज लीक हुई है चाइना की वेबसाइट में, तो ये बिल्कुल उसी तरह की इमेज है जिस तरह की इमेज मैंने अपनी जो पिछली वीडियो थी वहाँ पर बताया था, यानी कि डिजाइन बिल्कुल उसी तरह से सिमिलर यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद चलते हैं भैया हम अगले क्वेश्चन में, और यहाँ पर फिर से अगेन दो लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, एक यहाँ पे सीक्रेट नॉलेज और दूसरे यहाँ पे परलेश जी, तो दोनों ने यहाँ पे पूछा है Zenfone 5 के बारे में और यहाँ पे पूछा है MI A2 के बारे में। तो सर यहाँ पे MI A2 का जवाब तो मैं आपको दे चुका हूँ, अब यहाँ पे हम Zenfone 5 की बात करते हैं, तो Zenfone 5 यहाँ पे अप्रैल लास्ट या फिर मई तक आ सकता है, और मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मुझे लगता है कि मई में ही आएगा, अप्रैल में नहीं आएगा, और प्राइजिंग जो इसकी वो है 18 से 20 हज़ार के आसपास ही होगी, अगर इससे ऊपर चला जाता ना तो ये फ़ोन जो है ओवर प्राइज हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि यहाँ पे पूछा है मानसिंह जी ने, और मानसिंह जी ने यहाँ पे पूछा है भाई आप YouTube पे नए हो क्या? तो सर यहाँ पे मैं YouTube से हूँ, पिछले लगभग 11 महीने मुझे YouTube पे होने वाले हैं, तो आप सभी लोग बताओ कि मैं नया हूँ पुराना हूँ ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। यहाँ पर उन्होंने एक और बात कही कि ये हमारा पूरा सपोर्ट करेंगे, तो थैंक यू मानसिंह भाई आप सभी के सपोर्ट के लिए, और यहाँ पे आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम एक दिन बहुत ही आगे निकल जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है पवन जी ने, और पवन जी ने यहाँ पर कहा है Redmi Note 5 Pro बेकार हो गया है, Honor 7X बेस्ट है। तो यार भाई यहाँ पे जो OTA अपडेट आया है उसके बाद जो है Redmi Note 5 Pro की थोड़ी सी हवा लीक हो गई है, लेकिन अगर यहाँ पे एक और दोबारा OTA अपडेट आता है, यानी कि अगर Xiaomi इस चीज़ को सॉफ्टवेयर से दोबारा ठीक कर देती है, तो आपका Redmi Note 5 Pro दोबारा से जो है हाई में आ जाएगा और जहाँ पे Honor का 7X नीचे पहुँच जाएगा। तो बस यही सीन है यार, कंपनियों का यही सीन चलता रहता है, OTA अपडेट निकालती है, कुछ चीज़ अच्छी करती है, कुछ चीज़ बेकार कर देती है, तो अब क्या बताएं यार। तो चलिए कोई बात नहीं, इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे हितेश जी का, और ये पूछते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड पी कब आएगा? तो सर एंड्रॉयड पी आपका लॉन्च होगा सितंबर 2018, यानी कि हर साल यहाँ पे सितंबर में लॉन्च होता है, और इस साल भी यहाँ पे सितंबर में ही लॉन्च होगा, और इसके बाद देखेंगे कि हम पे अपडेट आती है 2018 में आती है, 19 में आती है, 20 में आती है, कब तक आती है। अगर पिक्सल फ़ोन है तब तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो भाई हम सब लोग यहाँ पे वेट ही करते रहेंगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे वो है साजाद जी का, और साजाद जी यहाँ पे लिखते हैं इस फ़ोन में कौन सा फास्ट चार्जर सही होगा? तो साजाद जी आप यहाँ पे कोई भी फास्ट चार्जर लगा सकते हो, लेकिन वो फास्ट चार्जर आपका किसी कंपनी का होना चाहिए, ओरिजिनल चार्जर होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए। आप यहाँ पे मोटोरोला का यूज़ कर लो, सैमसंग का यूज़ कर लो, या सिस्का वगैरह जो भी आते हैं, आप यहाँ पे ब्रांडेड चार्जर यूज़ करो, और इस फ़ोन के लिए आप यहाँ पे 9 वॉट तक का जिस चार्जर की आउटपुट होगी आप वो चार्जर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और आप यहाँ पे आप में से कोई भी अगर क्विक चार्ज या फिर नॉर्मल
चार्ज अगर यहाँ पे चार्जर लेता है तो प्लीज़ आप ओरिजिनल चार्जर से ही अपने फ़ोन को चार्ज कीजिए। इसके बाद जो अगला अपडेट है वो है यहाँ पे संतोष जी का, और ये यहाँ पे लिखते हैं क्या वापस 9.2.4 MIUI का अपडेट ले सकते हैं Redmi Note 5 Pro में। जैसे कि आपको पता है कि Note 5 Pro में जब से 9.2.5 का अपडेट आया है तब से बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी हैं। तो अगर आप भी हमारे संतोष जी की तरह यहाँ पे उस अपडेट को वापस लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको एक लिंक पे जाना है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि लिंक यहाँ पे MI का ऑफिशियल लिंक जो वेबसाइट है वो है यहाँ पे en.miui.com। तो वहाँ से आपको इस फोन की कस्टम रोम मिल जाएगी। तो जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे उसके बाद अपना फोन जो है वो सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि Redmi Note 5 Pro यहां पे आप सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक है ओल्डर रोम और एक है न्यूअर रोम। तो आप ओल्डर रोम पे जाइए और 9.2.4 को यहां पे डाउनलोड कर लीजिए। 1.6 GB के समथिंग ये फाइल है, तो भाई एक दिन का जियो का डाटा तो आपका इसी रोम में डाउनलोड करने में लग जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, फ़ोन तो हमें यहाँ पर चलाना ही है, तो आप इस रोम को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद अपने फ़ोन में से सेव कर लीजिए इंटरनल स्टोरेज में। उसके बाद आप यहाँ पर जाइए अपने फ़ोन की सेटिंग में, अबाउट सेक्शन में, उसके बाद सिस्टम अपडेट में, और उसके बाद जब आप सिस्टम अपडेट ओपन करोगे तो आपके सामने लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो है 3 डॉट दिखेंगे। 3 डॉट पर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा चूज़ द अपडेट, यानी कि चूज़ अपडेट इस तरह का कोई ऑप्शन आएगा, तो आप वहाँ पर क्लिक कीजिए और आपके सामने फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप इस रोम को इंस्टॉल कर सकते हो। तो फिलहाल के तो मैं आपको ऐसी इसी तरीके से बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी और डिटेल चाहिए या इनके इसके बारे में कोई वीडियो चाहिए तो वो भी यहाँ पे बन जाएगी। वैसे मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे अनमोल जी का, और ये यहाँ पे लिखते हैं ब्रो मैंने Redmi Note 5 Pro प्री बुक की है, मुझे डिलीवरी कब तक मिलेगी। तो अनमोल जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो आपके ऑथराइज स्टोर है उनके ऊपर ये डिपेंड करता है, यानी कि उन तक ये फ़ोन कब तक पहुंचेगा। अब यहाँ पे जो बात होती है ये होती है ऑफलाइन मार्केट की, यानी कि ट्रांसपोर्टिंग वगैरह का भी इधर उधर यहाँ पे टाइम लग जाता है। लेकिन यहाँ पे जब मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि भाई जो मार्च के लास्ट तक आपको इस फ़ोन की डिलीवरी जो है मिलना शुरू हो जाएगी। बट अभी देखते हैं मार्च के लास्ट में मिलती है या फिर अप्रैल में शुरू होती है, तो जो भी होगी आपको मैं अपडेट कर दूँगा। इसके बाद जहाँ पर अगला अपडेट है वो यहाँ पे टेक्निकल खन्ना खान खन्ना जी का, तो ये यहाँ पे लिखते हैं ब्रो इसमें सोल्यूशन अपडेट कब आएगा। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है इनका कि क्या हम इसे अपडेट करना चाहिए। तो नहीं भाई, आप फिलहाल के लिए इसे अपडेट मत करो, और सोल्यूशन अपडेट भी मे भी यहाँ पर बहुत ही जल्दी आ जाए, जैसे भी आएगा मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूँगा। और यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पर सबरत शुभम जी का है, और ये यहाँ पे लिखते हैं सर जिन जिन लोगों ने प्री बुकिंग करवा ली है Redmi Note 5 Pro की, तो उन लोगों को मोबाइल मिलना 100% कंफर्म है या फिर इसमें कोई दिक्कत होगी। तो नहीं सर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने प्री बुकिंग करवा लिया है तो आपको यहाँ पे फ़ोन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि आपको मिलने में थोड़ा सा टाइम और लग जाए, लेकिन मिल आपको ज़रूर जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सुनील कुमार जी हैं और ये यहाँ पे लिखते हैं भाई आपने इसमें राम राम बोला, इसलिए मेरी तरफ से 1 लाइक और 1 शेयर है, राम राम। तो सुनील जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी के सपोर्ट के लिए, और मेरे तरफ से भी आपको राम राम। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और यहाँ पे लिखते हैं अंकित राज जी, और ये लिखते हैं कि भाई YouTube वीडियो लैग हो रही है Redmi Note 5 Pro में। तो अंकित जी, मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, बट नॉर्मली मैंने यहाँ पे 8-10 वीडियो प्ले की थी, मेरी वीडियो यहाँ पे लैग नहीं हुई। अब एक और बार आप चेक कर लीजिए, और आप सभी लोग जिनके पास अपडेट आ चुका है आप लोग भी एक बार चेक करके बताइए कि क्या आपके पास यूट्यूब वीडियो लैग हो रही है या फिर केवल नेटवर्क की प्रॉब्लम ये है। और इसके बाद सर्च इंजन जी यहाँ पे लिखते हैं कि ये OTA अपडेट का मतलब क्या होता है। तो भाई OTA मतलब ओवर द एयर, यानी कि हवा में उड़ने वाला कोई ऐसा सॉफ्टवेयर। अगर मैं सिंपल सी बात करूँ तो अगर आपकी कंपनी की तरफ से आपके मोबाइल के लिए कोई ऐसी अपडेट आती है, यानी कि आपका फ़ोन लॉन्च हुआ उसमें कंपनी आपके लिए कोई ऐसी फ़ीचर या फिर जिसके बारे में कंपनी कहती है कि हमें सब फ़ीचर देंगे वो नहीं दे पाती है, तो उसके बाद वो कंपनी जो है एक सॉफ्टवेयर के जरिए आपको वो सारे फीचर देती है। अब यहाँ पे कई बार कुछ फीचर आपको मिलते हैं OTA अपडेट में, कई बार केवल सिक्योरिटी पैच होता है, यानी कि कुछ नए चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये होता है यहाँ पे OTA अपडेट, यानी कि कंपनी की तरफ से अगर कोई चीज़ यहाँ पे छूट जाती है या फिर कंपनी कुछ नया चीज़ यहाँ पे देना चाहती है या फिर कभी कभी केवल सिक्योरिटी पैच है, तो इस तरीके से आपको ये OTA अपडेट मिलता है। और यहाँ पे इसका नाम इसलिए रखा गया है ओवर द ईयर, यानी कि कंपनी ने एक बार छोड़ दिया तो आपके पास आज पहुंचता है, कल पहुंचता है, परसों पहुंचता है, इसके बारे में कंफर्म नहीं होता, तो इसलिए इसका नाम रखा गया ओवर द ईयर, यानी कि हवा में उड़ने वाला एक अपडेट।
ओके, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे की वीडियो में, अभी यहाँ पे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पे अनीस खान जी का, और ये यहाँ पे पूछते हैं अभी हेडफोन में कभी लो हो रही है आवाज़ और कभी तेज हो रही है। तो सर मैंने यहाँ पे अपने हेडफोन में बहुत ज़्यादा सॉन्ग तो नहीं सुने, बट जितने मैंने सुने मुझे तो यहाँ पे सिमिलर ही लगी। और आप लोग जो देख रहे हो तो आप लोग कमेंट में बताओ कि क्या आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आई है या फिर नहीं। इसके बाद राजेश जी का यहाँ पर कमेंट आया है कि नाइस सर, अपडेट मेक सम मिस एंड हिट, कैमरा अपडेट मिस एंड वॉइस साइड इज़ हिट। तो जी राकेश जी, आपकी बात यहाँ पे सही है कि यहाँ पे जो वॉइस क्वालिटी थी हेडफोन वाली वो यहाँ पे इम्प्रूव हो चुकी है, लेकिन कैमरा में गड़बड़ कर दी यार भाई रेडमी ने। तो चलिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे सुमित जी यहाँ पे लिखते हैं कि भाई आसूस जेनफोन 5 लैट के बारे में कुछ वीडियो बनाओ, और दूसरा कमेंट भी ये लिखते हैं कि भाई आसूस जेनफोन 5 लैट मेक सम वीडियो प्लीज़ अबाउट कैमरा प्राइस रिलीज डेट एंड कंपेरिजन विद रेडमी नोट 5 प्रो। तो ठीक है सर, आपके लिए यहाँ पे जल्दी ही वीडियो आ जाएगी, आप बस यहाँ पे थोड़ा सा वेट करिए। और थैंक यू सो मच आपका कमेंट पूछने के, सवाल पूछने के लिए। इसके बाद अगला सवाल है वो यहाँ पे सरूफ खान जी का, और सरूफ खान जी यहाँ पे पूछते हैं सर मेरे पास Redmi Note 5 मोबाइल है, उसका अपडेट आ रहा है, लेकिन जब भी मैं अपडेट करता हूँ तो 50-60% डाउनलोड होते हैं, होने के बाद अपने आप बंद हो जाता है और फिर दोबारा से होने लगता है। तो सर इसके लिए क्या मुझे आप कोई टिप्स बता सकते हो, थैंक्स। तो सर अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक कीजिए, यानी कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही स्लो है या फिर कभी तेज़ कभी कम, यानी कि फ्लक्चुएट अगर आपका यहाँ पे इंटरनेट कर रहा है, आपकी इंटरनेट की स्पीड कर रही है, तो यहाँ पे आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। और मुझे लगता है कि इंटरनेट की ही यहाँ पे दिक्कत है, फिर भी अगर नहीं होता है तो आप एक बार अपने फ़ोन को रिबूट कर लीजिए, फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट में एक और बार बता सकते हो। तो चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और यहाँ पे लिखते हैं सुनील ठाकुर जी की, क्या यहाँ पर सोलो कॉपी फ्लैश सेल थी? तो हाँ भाई, यहाँ पर सोलो कॉपी फ्लैश सेल थी, पहली फ्लैश सेल चली थी यहाँ पर 14 को, उसके बाद 16 को भी, अब यहाँ पर जो स्वामी की फ्लैश सेल चलती है यार वो यहाँ पर 6 से 7 दिन के अंदर में आती है। तो पता नहीं क्यों यहाँ पे स्वामी ने इस बार फ्लैश सेल खोल दी अचानक से 16 को। और इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लिखते हैं कपड़े कुकसाल जी, और ये लिखते हैं यहाँ पे भाई सुनो प्लीज़, आज मैंने शाम को 8:30 बजे MI केयर सेंटर में कॉल की थी, और उन्होंने बताया कि प्री ऑर्डर जो जिन लोगों ने करवाए हैं वो अपना पैसा वापस ले लें, प्री ऑर्डर वाले फ़ोन अब किसी को नहीं मिलेंगे। तो नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता ऐसा हुआ है, और मैंने भी यहाँ पे कंफर्म करा था, तो मेरे हिसाब से तो ये गलत है। और आप मुझे एक और बार बताओ कि आपने MI वालों को कॉल की थी या फिर जो MI के ऑथराइज स्टोर है उनको कॉल की थी? आप अगर ये बात क्लियर कर देंगे तो मे बी बाकी लोगों को भी यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। और इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है यहाँ पे चिकू इंटरटेनमेंट भाई जी का, और ये यहाँ पे लिखते हैं सर हमारे यहाँ फ़ोन अवेलेबल है लोकल मार्केट में, बट MI नोट 5 प्रो 4 GB रैम का 16,500 ले रहे हैं। तो सर ये जो आपका फ़ोन है ये ऑफलाइन मार्केट में नहीं, ये ब्लैक मार्केट में है, ये ब्लैक मार्केट में बिक रहा है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इस फ़ोन को मत लीजिए, ब्लैक मार्केटिंग तभी बंद होगी जब हम इस फ़ोन को ब्लैक मार्केट से लेना बंद करेंगे। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है न खाता हूँ न खाने दूंगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे लेस फाइन समथिंग का, और ये यहाँ पे लिखते हैं इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा क्या ऑफलाइन में? तो सर यहाँ पे अगर आप MI के ऑथराइज स्टोर से लेते हो तो वहाँ से आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ऐसा मैंने खुद कंफर्म करा था। तो वहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई आपको यहाँ पे 500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पे सुब्रत दास जी का, और ये यहाँ पे लिखते हैं आप वीडियो अच्छी बनाते हो। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आप सभी के सपोर्ट के लिए, बस मैं अपनी तरफ से यहाँ पर पूरी कोशिश करता हूँ, और आप लोग ऐसे सपोर्ट बना के रखिए, जो भी आपकी फीडबैक होती है यानी कि मेरे लिए जो भी फीडबैक होती है आप वो मुझे किसी भी वीडियो में कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन जो है वो है नीरज जी का, और नीरज जी यहाँ पे लिखते हैं सुना है हीटिंग हो जाता है, क्या ये सही है? तो जी हाँ भाई, ये फ़ोन पहले से अब हीटिंग हो जाता है, यानी कि अगर मैं इस फ़ोन को नॉर्मल भी यूज़ करता हूँ तो ये फ़ोन अब जो है हीटिंग प्रॉब्लम इस फ़ोन में देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पे बहुत ही गलत बात है। तो ये था आप लोगों के सवाल जिनके जवाब मैंने यहाँ पे दिए हैं, और अगर आप लोगों के कोई भी और सवाल होते हैं यहाँ पे तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उनका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। तो आज वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो काम की लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।